सरकार किसी की हो, सरकार कहीं किसी के माध्यम से चलते हो, लेकिन प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है किसी के साथ अन्याय न हो, ये जिम्मेदारी प्रशासन की है। और सरकार के लोग ये जाने न जाने, लेकिन ये जानना जरूरी है कि जिस समय प्रशासन न्याय करता है उस समय सरकार के प्रति आम जनता का भरोसा बढ़ जाता है। अगर प्रशासन न्याय करे तो सरकार पर भरोसा बढ़ता है, और अगर प्रशासन अन्याय करे तो वही शासन पर और सरकार पर भरोसा खत्म हो जाता है। मुझे लगता है कि रामपुर में जिस तरीके से प्रशासनिक अधिकारी ने काम किया है, सरकार में यहाँ के लोगों का कोई भरोसा नहीं है। हम लोगों को सरकार चलाना सिखा रहे हैं, हम और आप लोग तो ये करते रहे कि यूनिवर्सिटी बना दें जिसमें भविष्य बेहतर हो जाए नौजवानों का, आने वाली पीढ़ी का। हम लोग एम्बुलेंस चला रहे थे जिससे गरीब कोई गांव में है, अगर उसको तकलीफ परेशानी है तो फोन मिलाता था, एम्बुलेंस पहुंच जाती थी, इसलिए हम एम्बुलेंस का काम करते। 100 नंबर पुलिस इसलिए व्यवस्था दी लोगों को थाने में जाना पड़े, अगर कहीं झगड़ा हो जाए पानी को लेकर के, जमीन को लेकर के, या आपस में कोई विवाद हो जाए तो फोन मिलाए पुलिस के पास पहुंच जाए और 100 नंबर मदद करे, ये समाज वाले लोग काम करते। लैपटॉप ऑन करते विद्या दंड दे रहे थे, सर पुल यूनिवर्सिटी कॉलेज या लोगों की मदद कैसे हो, बड़े बड़े काम कर रहे थे। और बताओ हमारे रामपुर के लोगों, भारतीय जनता पार्टी कौन सा विकास कर रही है रामपुर में, हमें बता दो। कोई सड़क बनवा रहे हो तो बताओ, कहीं पुल बनता हो तो बता दो, और कहीं सरकारी अस्पताल में दवाई मिल रही हो तो बता दो, डॉक्टर है नहीं। और बिजली तो नहीं बना रहे, बताओ रामपुर में कहीं बिजली बनाने का कारखाना लगा। लेकिन रामपुर वालों याद रखना, अगले महीने से बढ़ा हुआ बिल आ रहा है आपके पास, बिजली नहीं बनाई और बिल से कोई नहीं बचेगा, नेता भी नहीं बचेंगे, सपा वाले भी नहीं बचेंगे, भाजपा वाले भी नहीं बचेंगे, और हमारे पत्रकार साथी भी नहीं बचेंगे। बिल अगले महीने आएगा, बिजली का बिल बढ़ा दिया, बिजली नहीं बनाई और बिजली बनाना भी नहीं जानते। अगर बिजली बनाना जानते होते तो शायद बिजली ज्यादा बनाते, ज्यादा पैदा होती बिजली, तो आपको हमको बिल नहीं देने पड़ते। इन सब चीजों से ध्यान हटाने के लिए एक तो टीवी पर पाकिस्तान दिखाई दे रहा है, टीवी पर सब ध्यान हटाने के लिए, ध्यान हटाने के लिए क्या टीवी चला रहा है। और मैंने रात में भी कहा आपको धोखा दे रही है लोग, और इस साजिश में धोखा देने में ये लोग शामिल नहीं है, दुनिया की बड़ी ताकतें भी शामिल हैं। बताओ अगर अमेरिका हमारे साथ क्या कर रहा है, दोस्ती निभा रहा है कि दुश्मन का साथ दे रहा है, और हमें बात समझ में नहीं आती। शायद बीजेपी वाले समझाएंगे, रात में भी पूछा था कि सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमान पाकिस्तान में F-16 है, वो अमेरिका देता है, और अमेरिका ने उस पर निगरानी रखने के लिए भारत को अपना मित्र मानते हुए C-17 हमें हवाई जहाज भेज दिया, और साथ ही साथ पाकिस्तान पर नजर रखने के लिए अपाची हेलीकॉप्टर भी हमने खरीद दिए। हमने उनसे C-17 खरीदा, अपाची हेलीकॉप्टर खरीद लिया। अब अमेरिका की एक ही कंपनी है जो बनाएगी,
वो बोइंग कंपनी है जो हमें भी हवाई जहाज देगी, पाकिस्तान को भी हवाई जहाज देगी। देखो खूब से अमेरिका हमें और पाकिस्तान के साथ लड़ा करके पूरा का पूरा हमारा उसका बजट अपने कारोबार में लगा दे। अगर हिसाब लगाए आप हमारे प्रकार साथी, हिसाब लगाना आप जो डिफेंस की चीजें खरीदी जा रही हैं, जो डिफेंस के सामान आ रहे हैं, जो अमेरिका से आ रहे हैं, फ्रांस से रफेल आ रहा है, या इसराइल से, हम जानते नहीं क्या क्या ले लिया होगा। लाखों लाख करोड़ का कारोबार हो रहा है, लाखों लाख करोड़ का, और हम सवाल न पूछ पाए, इसलिए हमने और आपको शौचालय में लिखा दिया। बताओ शौचालय का क्या बजट होगा, शौचालय का बजट क्या होगा? 30,000 करोड़, 40,000 करोड़, 20,000 करोड़ होगा शौचालय का बजट। हमें फंसा दिया शौचालय में, और दुनिया के बड़े बड़े देशों से कारोबार करने 4,00,000-5,00,000 करोड़ होगा। असली पैसा तो मान जा रहा है, अगर वो पैसा न जाए तो आगरा लखनऊ जैसा एक्सप्रेस वे पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे देश में बन सकता है। हम तो आए थे सोच रहे कि एनएचआई की सड़क पूरी बन गई होगी, कभी शाहजहांपुर का पुल वो रेलवे वाला हमने देखा था, वो पुल आज भी वैसे दिखाई दे रहा है 10-15 साल गुजर गए। पहले भी जाम लगता था 15 साल पहले, आज भी जाम लग रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। और एक ही काम हो रहा है, सबसे ज्यादा मुकदमे रामपुर वालों पे लग रहे हैं। हम और समाजवादी लोग रामपुर के लोगों से कहना चाहते हैं कि ये मुकदमा लगाना चाहते हैं लगाए, जितना लगाना चाहे लगाए, और हम तो कह रहे हैं इतने मुकदमे लगाओ कि तुम्हारे कागज खत्म हो जाए, कागज खत्म हो जाए, लिखते 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 लिखते। लेकिन भगवान ने बुद्धि दे कि लिखावट भी एक सी, घटना भी एक सी, और चोरी भी क्या लगाना है, बकरी चोरी या पूरे भरोसा नहीं करेगा। हम कहते हैं अगर बकरियां ढूंढनी है आपको बुंदेलखंड पैकेज में, बुंदेलखंड में हर घर को बकरी दी गई थी, जाओ बकरी ढूंढो कहां है बकरी वहां पर। ये 5-6 साल पुरानी बात बता रहा हूं। और फिर अगर बकरी चाहिए तो मैंने रात को भी कहा था, हमारे इटावा में जमुना पार अब डाकू के गैर नहीं रह रहे, बकरियां रह रही हैं, बहुत बढ़िया बकरियां हैं, बकरियां दे सकते हैं आपको, जैसी चाहिए वैसी। और भैंस गाय की बात हो तो बताओ, भैंस गाय भी भिजवा दें। हम तो उस प्रकार के हैं, हजारों साल हम कितना भी पढ़ लेंगे, बताओ हम कितनी भी पढ़ाई करने के रहेंगे तो याद नहीं। पकड़ पा रहे जो सांड को नहीं पकड़ पा रहे, वो क्या यूनिवर्सिटी बनाएंगे?